कुछ लक्षण आपको दिख सकते हैं जो दर्शाते हैं कि आपके बच्चे पे रिस्क है, तो उन लक्षणों को समझकर आप समय से पूर्व अपने डॉक्टर की सलाह लेकर मुश्किल से बच सकती हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ जो बच्चे के विकास से रिलेटेड है। अगर आपको आगे बताए जाने वाले कुछ लक्षण मालूम पड़ते हैं अपने शरीर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको रिस्क हो सकती है थायराइड से रिलेटेड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड बच्चे के विकास पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो किस तरीके से समझे और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आगे वीडियो में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले से थायराइड है या फिर प्रेग्नेंट होने के दौरान आपका थायराइड स्तर डिस्टर्ब हुआ है, तो कुछ लक्षण आपको दिख सकते हैं जो दर्शाते हैं कि आपके बच्चे पे रिस्क है, तो उन लक्षणों को समझकर आप समय से पूर्व अपने डॉक्टर की सलाह लेकर मुश्किल से बच सकती हैं, किसी भी तरह के रिस्क से आप बच सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो लक्षण क्या हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, हाइपोथायराइड जिसमें की अंडर एक्टिव थायराइड होती है और हाइपर थायराइड जिसमें की ओवर एक्टिव थायराइड होती है। तो अगर आपको पहले से है तो आपको काफी चीजें पता होंगी, अगर आपको नहीं है और प्रेगनेंसी के दौरान आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो हाइपोथायराइड की कंडीशन में अगर आपको मेमोरी प्रॉब्लम लगती है, आप डिप्रेस्ड फील करती हैं, कुछ चीजें याद नहीं रह पा रही हैं, आप काफी फिजी फील कर रही हैं, मसल क्रैम्प अगर आपको रहते हैं, आप किसी भी काम में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, ठंड से आप काफी सेंसिटिव फील कर रही हैं, बार बार आपको ठंड लग जा रही है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में स्वाभाविक है लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो ये संभावना दर्शाता है कि आपको थायराइड हार्मोन से रिलेटेड समस्या है और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए और इसका ठीक से इलाज लेना चाहिए। इसी तरह हाइपरथायराइड की कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ सकती है, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट बीट दिल की धड़कन कभी भी उतर चढ़ाव महसूस कर सकती हैं, यानी कि हार्ट बीट में इरेगुलरिटी आप महसूस कर सकती हैं। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थायराइड डिसऑर्डर में प्रेग्नेंट महिला को अगर महसूस हो तो बिल्कुल अलार्म बज जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको थायराइड रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, खान पान में थोड़ा परहेज बताया जाता है, कुछ ऐसे फूड हैं जो हमारे थायराइड हार्मोन को प्रभावित करते हैं, उन फूड को प्रायोरिटी से कुछ फूड को लेना होता है, कुछ फूड को नहीं लेना होता है, परहेज रखना होता है और इतना करने से आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहती है, आपके बच्चे पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं आता। तो इन लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है पहली जांच में ही सारी जांचें की जाती है और उसमें थायराइड सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है और ये बच्चे के विकास से दिमागी विकास से रिलेटेड होती है। तो अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है या फिर अब तक नहीं आई है लेकिन आपको ये लक्षण दिखाई दे पड़ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, TSH की जांच करानी चाहिए और 4 से 6 हफ्ते में उस जांच को बार बार रिपीट कराते रहना चाहिए और दवाएं उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपका थायराइड टेस्ट हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।